हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल सन गाइस। मेरा नाम है सिद्धार्थ रिकॉर्ड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे सब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो रहेगा पार्ट टू ऑफ द वीडियो हाउ टू मेक बेस्ट टाइम टेबल या फिर बेस्ट टाइम टेबल इन लॉकडाउन। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए एक टाइम टेबल मैंने बनाया है जो मैं आपको देने वाला हूँ स्टडी के लिए। टाइम टेबल को बनाने से पहले मैंने कुछ चीज़ों को कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखा था, कुछ टॉपिक्स मैंने आई मेड श्योर कि उन टॉपिक्स को उन एक्टिविटीज़ को मैं इंक्लूड कर दूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रायोरिटीज़ मैंने सेट किया एंड तब जाके मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। तो ये ध्यान में रखिए, मैंने टारगेट सेट किया था कि मुझे 10 घंटा स्टडी करना है, तो उस बेसिस पर मैंने टाइम टेबल में उन चीज़ों को ऐड कर दिया है प्रायोरिटीज़ को सेट करके, कौन से सब्जेक्ट्स और सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने वो टाइम टेबल बनाया है। तो आप उस टाइम टेबल को एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम टेबल को उसमें आप चेंजेस बना सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अनुसार, आपके टारगेट्स के अनुसार, एंड देन यू कैन यूज़ इट फॉर योर डेली रूटीन। सो वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट टाइम टेबल। मैं आपको मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कुछ टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप टाइम टेबल बनाते हो, तो उन सभी टॉपिक्स को ध्यान रखते हुए मैंने टाइम टेबल बनाया है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइम टेबल को बना जब मैंने बनाया तो आइडिया ये था कि मुझे 10:30 से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक मुझे सोना है, या फिर 11:30 से लेकर 5:30 तक, तो वो टाइम आप इसको चेंज कर सकते हैं। आइडिया इस 6 आवर्स से ज़्यादा मतलब 6 घंटे से 7 घंटे तक मुझे नींद चाहिए रात की, तो 6 से 7 घंटे आप सोइए, ये आइडिया है। तो टाइम टेबल आपका मॉर्निंग से नहीं शुरू होता है, वो शुरू होता है आपको आपका रात से, जब आप बेड पे जाते हो, जब आप सोने जाते हो। तो इस टाइम टेबल में जो चीज़ मैंने इंक्लूड की है कि रात के 10:30 बजे आप सो जाओ एंड देन यू वेकअप एट 5:30, तो 5 या 5:30 बजे उठ कर आपके मॉर्निंग के सभी चीज़ें आप करिए, एक्सरसाइज करिए, उठिए, थोड़ा हाइड्रेट होइए, खुद को हाइड्रेट करिए और आपका डे स्टार्ट करिए। देन उसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 आवर्स, ये 3 गोल्डन आवर्स जिसे हम कह सकते हैं, इसमें आप जितना हो सके उतना ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये काफ़ी साइलेंट टाइम होता है जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर कम काफ़ी रेयर या फिर काफ़ी माइन्यूट डिस्टर्बेंसेस आपको होंगे इस दौरान। सो ये जो टाइम है 6 से लेके 9 बजे तक सुबह के, इस टाइम पे आप स्टडी करिए। और यहाँ पर ज़्यादा लॉजिकल, जिस चीज़ को आपको डिफिकल्ट लगता है, जो टॉपिक, उन टॉपिक को लेकर आप स्टडी कर सकते हो। तो ये हुआ मॉर्निंग का टाइम। अब 6 से 9 बजे तक आपको कंटिन्यू स्टडी नहीं करना है, यहाँ पर आप बीच में हॉल्ट्स ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, खुद को हाइड्रेट कर सकते हैं, पानी पी लीजिए, चक्कर लेकर एक राउंड मार लीजिए एंड देन यू कैन अगेन कंटिन्यू। बट 5 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। एंड वेन एवर यू स्टार्ट स्टडिंग, जब आप स्टडी करने के लिए बैठते हो, मेक श्योर आपके मोबाइल फ़ोन से दूर रहो, मोबाइल फ़ोन को भूल जाओ एंड देन यू स्टार्ट योर स्टडी। तो ये चीज़ है 6 से 9 बजे तक। देन उसके बाद आप क्या करिए, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, देन यू बाथ, यू प्रे, यू ब्रेकफास्ट, यू टेक योर ब्रेकफास्ट एंड जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ें आप 10:30 बजे तक कर लीजिए। देन उसके बाद जो 10:30 से लेकर 12:30 का जो टाइम है, इस 2 घंटे में आप फिर से स्टडी करिए। अब ये सुबह के 3 घंटे और ये 2 घंटा, 5 घंटे ऑलरेडी आपका 12:30 बजे तक मतलब मिड डे तक आपका 5 घंटा स्टडी कर रखा होगा। अब 12:30 से लेकर 1 बजे तक आप ब्रेक ले सकते हो। देन फिर से 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आप 1 घंटा स्टडी करें। यहाँ पर इस एक घंटे में आपको क्या पढ़ना है, तो आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चीज़ें आपको मतलब ज़्यादा जो दोपहर का टाइम है यहाँ पर आप शायद थोड़ा लेज़ी हो जाते हो, तो इस टाइम पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए ताकि वो जो लेजीनेस है वो आप पर वो चीज़ें हावी ना हो। तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। देन उसके बाद 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप नींद लीजिए, सोइए, अच्छा सा सोइए, क्योंकि दोपहर का टाइम है एंड ऑड टाइम्स पे आपको ऑड टाइम के लिए आपको सोना चाहिए। ऑड टाइम मतलब आप 1 घंटा ना सोइए, आप ऑड टाइम पे सोइए, 1.5 घंटा सोइए। तो ये चीज़ है। सो आप 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा सोइए, अच्छा रेस्ट कर लीजिए। 3:30 बजे के बाद 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर से 2 घंटा आपको स्टडी करना है। यहाँ पर आप ऐसे चीज़ें मतलब कुछ नई चीज़ें पढ़ सकते हो। देन उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे तक ये एक और अच्छा टाइम है जहाँ पर आप एक्सरसाइज करिए, खेलिए, थोड़ा बाहर जाइए और ऐसी ना चीज़ें करिए, लाइक आप भूल मत जाओ सभी चीज़ों को,
बस थोड़ा एक्सरसाइज करिए आपको मोटिवेट करने के लिए, आप खुद को एनकरेज करने के लिए जो चीज़ें रहेगी उन चीज़ों को आप यहाँ पर इस टाइम पर करिए। देन उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक का जो टाइम है, 6:30 से 7:30 बजे तक आप रेस्ट करिए। इस टाइम पर अगर आप चाहते हो स्टडी करना, कुछ और चीज़ें करना रिलेटेड टू स्टडी आप कर सकते हो, बट आई वुड से आप रेस्ट करिए। कुछ रीड करना चाहते हो अदर देन योर स्टडी, कुछ सर्व करना चाहते हो तो वो चीज़ें आप यहाँ पर इस टाइम पर कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट 7:30 से 9:30 बजे तक यू हैव टू स्टडी, 2 घंटा फिर से स्टडी करना है। तो इस 2 घंटे में आप एप्टीट्यूड चीज़ें स्टडी करें जो एप्टीट्यूड के रिलेटेड है, जो मगब मतलब जो आपको ध्यान में रखनी है उन चीज़ों को आप इस टाइम पर आप पढ़िए। तो इस 2 घंटे के बाद आपका जो डेली है सुबह के 3 घंटे, फिर 2 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा और ये 2 घंटा, तो इसको मिलाकर आपका स्टडी हो जाता है 10 घंटा। मतलब जो आपने टारगेट सेट किया था, जो मैंने टारगेट सेट किया था यहाँ पर 10 घंटे का, वो अचीव हो चुका है। तो 9:30 बजे के बाद मुझे स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आप डिपेंड करेगा मुझ पर। अगर मुझे और ज़्यादा करना है तो मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे ब्रेक लेना है तो मैं ब्रेक ले सकता हूँ। और 9:30 के बाद फिर मैं डिनर करके एंड 10:30 बजे तक थोड़ा लाइक 9:30 to 10:30 आफ्टर डिनर आई कैन हैव अ वॉक, आई कैन टेक अ वॉक एंड देन आफ्टर दैट आई गो टू बेड। तो ये चीज़ है, 10:30 बजे आपको सोना है एंड फिर से 5:30 बजे उठकर आपके चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आपका जो टारगेट आपने सेट किया है वो अचीव हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो इस टाइम टेबल का फॉलो कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस टाइम टेबल एज अ टेम्पलेट एंड यू कैन मॉडिफाई द टाइम टेबल, आप चेंजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, टाइम टेबल पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, सजेशन है, आप ज़रूर इस आप ज़रूर आपके सजेशंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and